मास महाराजा रवि तेजा की मास एंटरटेनर फिल्म करे की हिंदी डब वर्जन में आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हाय गाइस, मैं हूँ राज और आज मैं बात करने वाला हूँ करे फिल्म के हिंदी डब वर्जन के बारे में। और दोस्तों, हमें ये फिल्म कब और कहाँ देखने को मिलेगी ये जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक जरूर देखें। और साउथ हिंदी डब फिल्मों की अपडेट पाने के लिए साउथ मल्टीप्लेक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, करेक 2021 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर तेलुगु फिल्म है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया गोपीचंद मलिनेनी ने, जिसमें रवि तेजा के अपोजिट में श्रुति अंशन फीमेल लीड रोल में नजर आई। फिल्म को ओरिजिनल लैंग्वेज में 9 जनवरी 2021 को रिलीज किया गया था और रिलीज के पहले दिन फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिले। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस की बात करें तो करेक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ रुपयों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जहां फिल्म का बजट 16 करोड़ रुपयों का था। दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म के हिंदी डब वर्जन के बारे में। करेक फिल्म के हिंदी डबिंग राइट्स जी एंटरटेनमेंट ने रिलीज के दौरान ही खरीद लिए थे और रिलीज के कुछ दिनों बाद फिल्म का कमिंग सून वाला प्रोमो जी सिनेमा पर आउट कर दिया गया था। और जब से ही साउथ मूवी लवर फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि करेक फिल्म की हिंदी डबिंग और सेंसर सर्टिफिकेशन दोनों ही कम्प्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, हिंदी डब वर्जन का रन टाइम है 143 मिनट्स का और तेलुगु में इस फिल्म का रन टाइम था 154 मिनट्स का। यानी दोस्तों, फिल्म के हिंदी डब वर्जन में कुछ गानों और कुछ खून खराबे वाले सीन्स को काट दिया गया है। करेक फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रेमर जून के महीने में हमें जी सिनेमा पर देखने को मिल सकता है और जल्दी जी सिनेमा पर कमिंग सून वाला प्रोमो आउट कर दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे करेक फिल्म की हिंदी डब वर्जन में कोई भी कन्फर्म रिलीज डेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और दोस्तों, यहाँ तक का था आज का मेरा एक छोटा सा वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।